आज मैं बनाने जा रही हूँ होटल में बहुत ही ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश, चिली पनीर एंड फ्राइड राइस कॉम्बो। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप सभी का स्वागत है मनीषास किचन में। तो चलिए फिर ये टेस्टी सी कॉम्बो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पनीर ले लिया है और उसको मैंने ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है। पनीर का थोड़ा बड़ा ही साइज रखिएगा, आप जिस हिसाब से बना रहे हो उतना पनीर आप ले सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऐड कर दिया है अरारोट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और बस इसको हाथ से अच्छे से ऐसे उठाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और बाकी अगर आपको लगे और अरारोट या कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत है तो आप आगे ऐड कर सकते हैं। तो बस अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच और अरारोट ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप स्पून से या लेडल से अगर कर रहे हो तो बिल्कुल ढीले हाथ से करिएगा ताकि पनीर टूटे नहीं। और फिर मैंने 1 टीस्पून और मैंने यहाँ पे अरारोट ऐड कर दिया और बहुत ही अच्छे से पनीर के ऊपर कोटिंग आ चुकी है। ऐसा करने से पनीर चिपकते भी नहीं है और बहुत ही अच्छी कोटिंग भी आ जाती है और बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं। तो चलिए फिर इसको फ्राई करते हैं। मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेल भी अब्जॉर्ब हो जाता है तो इसलिए हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप ले लिया है रिफाइन ऑयल और एक एक करके हम पैन में यहाँ पे पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे और बिल्कुल इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। इससे ज़्यादा तेल भी अब्जॉर्ब नहीं होगा और पनीर बहुत अच्छे से खिले खिले और अलग अलग बनेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और बस इसको हल्के हाथ से चलाते हुए आप इसको स्टर कर लीजिएगा ताकि पनीर टूटे नहीं। तो ये देखिए एक साइड से ये गोल्डन कलर आ चुका है, तो मैं इसको दूसरे साइड से पलट दूंगी अच्छे तरीके से। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो है फ्रेंड्स, चिली पनीर और फ्राइड राइस का। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, होटल में तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर की जाती है डिश और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बन के रेडी होता है। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से पनीर को शैलो फ्राई कर लिया और आप देख सकते हैं पनीर एक दूसरे में चिपके भी नहीं है और पनीर में कितना अच्छा कलर आ चुका है, ये तो आप देख ही सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। तो लुक एट द टेक्सचर फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ गया है। तो बस पनीर अच्छे से कुक हो गया है आगे पीछे, तो अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूंगी। तो ये देखिए, और ये जो ऑयल बचा हुआ है इसको मैंने यहाँ पे वॉक में ट्रांसफर कर लिया है और वॉक को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अगर आपके पास वॉक ना हो तो घर की कोई भी कढ़ाई में आप बना सकते हैं और हाई फ्लेम पे कुकिंग करिएगा क्योंकि चाइनीज कुकिंग हाई फ्लेम पे ही होती है। और बस मैंने यहाँ पे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी और यहाँ पे मैंने कट करके ऐड किया है प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पे डाइस में कट किया जैसे कि देख सकते हैं और उसकी प्याज की परत मैंने अलग कर ली है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के प्याज का इस्तेमाल किया है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैं 4 टीस्पून ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो बारीक बारीक भी जिंजर गार्लिक को कट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसा आप लाइक करते हो। और बस इसको भी अच्छे से स्टर कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब मैं यहाँ पे एक बड़े साइज का शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। और बहुत ही यम्मी बन के ये रेडी हुआ था फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर बनाएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून विनेगर। वाइट विनेगर है ये, नॉर्मल सिंपल विनेगर है। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल किया है और 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड कर देंगे। और बस और यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं ऐड कर दूंगी काली मिर्च पाउडर और बस यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे नमक। मैंने यहाँ पे एरोमेट पाउडर या अजीनोमोटो का इस्तेमाल अभी नहीं किया है। अगर आप चाहें, आप लाइक करते हो तो आप कर सकते हैं, कभी कभार खा रहे हो तो चलता है, बट मैंने नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और बस इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं और ये देखिए अच्छे से कुक हो गया है। तो ये घर के ग्लास से मैंने यहाँ पे 1 ग्लास और ये दूसरा ग्लास मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चिली पनीर ग्रेवी वाला बना रही हूँ, अगर आप ड्राई रखना चाहते हो तो आप पानी कम ऐड करें। और बस इसमें अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो गया है हाई फ्लेम पे और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बॉईल आ गया है। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून अरारोट में थोड़ा सा फूड कलर, रेड ऑरेंज रेड फूड कलर ऐड किया था और पानी में उसको अच्छे से घोल लिया
और वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अगर आपको कलर ना ऐड करना हो तो आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून ऐड कर लीजिए। और बस अब मैं यहाँ पे धनिया पत्ता डाल दूंगी ऊपर से और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। और बस जब ग्रेवी कुक हो जाए तो बस मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पनीर, और थोड़ा सा और मैंने धनिया पत्ता ऐड कर दिया, और इसको अच्छे तरीके से स्टर कर लेंगे। और लुक एट द टेक्सचर फ्रेंड्स, कितना यम्मी और कितना डिलीशियस लग रहा है ये, तो आप देख ही सकते हैं। ये देखिए, तो देख सकते हैं आप कितना यम्मी बन के रेडी हुआ है। तो बस पनीर को डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट कुक करिए, और अब मैं गैस बंद कर दूंगी और फटाफट से हम बनाते हैं फ्राइड राइस। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा ली है कढ़ाई। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो हम यहाँ पे 4 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और अब मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक बारीक कट करके ऐड किया। आप चाहें तो मोटा मोटा भी कट कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हो। और बस इन दोनों को अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन अच्छे से निकल जाए। बहुत ज़्यादा आपको सब्जियों को यहाँ पे नहीं भूनना है, क्रंचीनेस बना रहना चाहिए सब्जियों का। और यहाँ पे मैंने कैरेट को मोटा मोटा थोड़ा ऐसे कट कर लिया है इस साइज़ में, और 2 कैरेट को मैंने यहाँ कट किया है। 2 मीडियम साइज़ का गाजर था तो वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और बस इसको भी अच्छे से स्टर कर लेंगे, अच्छे से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और बस अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे सॉसेस। तो मैं यहाँ पे पहले 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। फिर से मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप पेस्ट नहीं ऐड करना चाहते तो आप जिंजर गार्लिक बारीक बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। और बस अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून व्हाइट विनेगर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है चिली पेस्ट यानी कि चिली सॉस, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। और बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड कर दिया टमाटो केचप, और बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका लाइट सोया सॉस हो तो आप 1 टेबल स्पून ऐड करिएगा, मेरा डार्क सोया सॉस था इसलिए मैंने 1 टीस्पून ऐड किया। और बस इन सबको अच्छे से कुक कर लेंगे, और देख सकते हैं कितने अच्छे से सब्जियां अच्छे से भुन गई है, अच्छे से सॉसेस पक चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी कैप्सिकम। तो ये मैंने 1 कैप्सिकम को कट कर लिया था, शिमला मिर्च को मीडियम साइज में, और वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। फ्राइड राइस में आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल डालिएगा। और ये मैंने यहाँ पे बासमती चावल को अच्छे तरीके से पहले ही कुक करके रखा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कितने खिले खिले बन के रेडी हुए हैं। और ऊपर से मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी धनिया पत्ता, और बस इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि फ्राइड राइस में ना थोड़ा ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर आप ताजे चावल से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जो घर में चावल बनाते हैं रात का बच गया हो तो बस उस चावल का भी इस्तेमाल करके आप ये फ्राइड राइस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत टेस्टी बनेगा। और आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे फ्राइड राइस बन के रेडी हो गए हैं, कितना यम्मी कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो चलिए फिर मैं गैस बंद कर देती हूँ, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस और चिली पनीर को सर्व कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं कितना टेस्टी कितना यम्मी लग रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।